अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ माहम और आप देख रहे हैं दी माहम किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर एक लंबे अरसे के बाद मैं आपको न्यू और अपनी फेवरेट रेसिपी बताने जा रही हूँ। अगर आपको भी गुलाब जामुन पसंद है और घर पर कम खर्चे में बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए देखते हैं गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें बर्तन में एक कटोरी ड्राई मिल्क लेना है, जिसको हम खुश्क दूध भी कहते हैं। फिर हमने इसमें हाफ कटोरी मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करने के बाद हमने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड करना है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने 1 कप दूध के साथ आटे को गूंद लेना है। डो तैयार करते हुए हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है, क्योंकि हमें ज़्यादा पतला डो नहीं चाहिए। जब डो इस शेप में आ जाएगा तो फिर हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने का एक फ़ायदा तो ये है कि इससे जो डो है वो अच्छे से तैयार होगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो डो बर्तन के साथ चिपक रहा है वो चिपकना बंद हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि बर्तन बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि हमारा डो तैयार हो गया है। जब डो हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढाँप कर रख देना है। अब हम गुलाब जामुन के लिए चाश बनाएंगे। चाश बनाने के लिए हमें बर्तन में 1 कटोरी शुगर और 1 कटोरी पानी ऐड करना है, और फिर शुगर को मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है। जब शुगर हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। चाश बनाते वक्त हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि चाश हमारी ना तो ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। चाश बनाते वक्त आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चाश को चेक करना है कि यह ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। जब चाश हल्की हल्की चिपकना शुरू हो जाएगी तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है और चाश को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जो गुलाब जामुन के लिए डो तैयार करके रखा हुआ था उसको निकालेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मैश करेंगे। डो को मैश करने का एक फ़ायदा यह है कि जब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे तो वो अच्छे से बन जाएंगे। तो अब हमने थोड़ा सा डो लेना है और इसके ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। इसी तरह आपने बाकी डो के साथ भी सेम मेथड दोहराना है। आप अपनी मर्जी से डो को छोटे या बड़े साइज में गोल शेप दे सकते हैं। तो मैंने सारे डो के छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए मैंने पैन में 1 कप ऑयल लिया है और उसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हमने बॉल को एक एक करके ऑयल में डाल देना है और फिर इनको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये एक साइड से हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो हम इनकी साइड को एक्सचेंज करेंगे। इनकी साइड को एक्सचेंज करने के बाद हम इनको ब्राउन होने तक पकाएंगे। और तब तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जब ये हल्के ब्राउन होना शुरू होंगे तो हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए हलाएंगे, और जब ये डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको पैन से निकाल लेंगे। अब जो चाश हमने तैयार की हुई थी वो ठंडी हो चुकी है। इसमें हम फ्राई किए हुए बॉल्स को ऐड करेंगे और फिर इनको 1 चम्मच की मदद से चाश में अच्छे से डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इनको 2 से 3 घंटे के लिए ढाँप कर रख देंगे ताकि ये चाश की मदद से अच्छे से फूल जाएं। और जब ये फूल जाएंगे तो आप इनको अपनी फैमिली के साथ बैठकर खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।